मैं हरियाणा की 2,80,00,000 जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास था और मैं लोगों के बीच में जो उनका आशीर्वाद, जो प्यार गरीब का, किसान का, महिलाओं का आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, युवाओं का आशीर्वाद मिल रहा था, मैं उस हौसले के ऊपर मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार लगा रही है। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। अरे ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जो उनकी नीति है, जो उनके आशीर्वाद दिया है कि ये आशीर्वाद दिया है प्रधानमंत्री, मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको, वो भी बाद में बताऊंगा। सर देखिए, मैंने मुझे विश्वास था और मैं लोगों के बीच में जो उनका आशीर्वाद, जो प्यार गरीब का, किसान का, महिलाओं का आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, युवाओं का आशीर्वाद मिल रहा था, मैं उस हौसले के ऊपर मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार लगा रही है। जयराम रमेश सवाल उठा रहे हैं एनसीआई पर, वो कह रहे हैं कि देरी से अपडेट कर रहा था। जयराम रमेश को क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं अभी कुछ नहीं बोलता। जयराम रमेश का अपना काम है और वो शुरू से ही अपने काम में लगे हुए हैं। कभी अगर युवाओं की कोई लिस्ट निकालने की रिजल्ट बात हो, उसको भी रोकने के लिए चले जाते हैं, उनका काम है। सर किसानों का पहलवानों का आपको जलेबी खिलाएंगे। सर मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा, बिल्कुल खिलाऊंगा। पहलवानों का, जवानों का, किसानों का मुद्दा उठाया, उसके बावजूद आप सीधे कांग्रेस ने घेरा जवानों पर, पहलवानों पर, किसानों नहीं। देखिए, उनका झूठ का ये सारा विषय था।